अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अफशान, क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर आप सुनाए, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अफशान, काफ़ी देर बाद मुझे आप क्लास में नजर आए हो। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, या मैंने ऑब्जर्व नहीं जी किया सर। आप पिछली क्लासेस में नहीं थे? नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं पिछली क्लासेस मैंने अटेंड नहीं की क्यों? क्योंकि वो बहुत से प्रॉब्लम आ जाते थे आपके लेक्चर्स में, या कभी मेरे लाइट ऑफ हो लेक्चर्स जाती में थी इंटरनेट वैसे ही यार टेक्निकल प्रॉब्लम्स मीटिंग। डालो ना, मैं तो ना रगड़ोगे। आपके लेक्चर्स में बहुत से प्रॉब्लम्स आ जाते थे। ये सर मीटिंग में ना अभी लाइट का बहुत अच्छा ज़्यादा अच्छा हमारे एरिया में ना इश्यूज़ आ रहे हैं, अच्छा थोड़ा तो सा ना जी वो रात के टाइम लैपटॉप की बहुत। बैटरी वगैरह चार्ज कर ली, या मोबाइल से आप कनेक्ट हो गए, थोड़ा सा ना इन प्रॉब्लम्स को हल करो ताकि आप साथ साथ चल सको और जी क्लास टाइम पे बिल्कुल ले सको। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू मैन। सर जी, बस इसीलिए वो जो थे मेल का भी इशू काफ़ी आ रहा था, वो अच्छा, कोशिश चलें। तो बहुत थी सर, लेकिन अगर ना हो सके, अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन है तो YouTube से लेक्चर को अच्छी तरह समझने को क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? जी चलें ठीक है सर, चलें जी, बिल्कुल आगाज जी। करें अपने लेक्चर का हम, अगर इजाजत हो। अमन सफीर, अमन सफीर, वन अस्सलाम सेकेंड। वालेकुम। वालेकुम सलाम अमन, क्या हाल है बेटा? जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लेक्चर शुरू करें बेटा, को क्वेश्चन पिछले लेक्चर्स जी में से सर। तमाम नहीं बच्चों सर, ने प्लीज शुरू करवा करें। दी? जी 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 सर। जी, करवा दी तमाम स्टूडेंट्स ने? जी सर करा दिए। ओके, थैंक यू सो मच अमन। छोटा सा भाई काम है आपसे, वो यार आपका मैं जी बड़ा सर। मशहूर हूँ कि आप बहुत अच्छे सीआर हो और बड़े ज्यादा काम करते हो इस क्लास के। अटेंडेंस काइंडली मार्क करके आपने मुझे भेज देनी है। अभी हमारे पास 33, ठीक है सर। 34 हमारे पास अभी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो जी आपने सर। एक अभी एक नजर मार लेनी है इन सबको। मैं एक आपको 1-2 मिनट देता हूँ ताकि आपके लेक्चर भी डिस्टर्ब ना हो, फोकस ना आपका मैं सर स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सर। ऐसे रखना भाई। बायोटेक्नोलॉजी दे बच्चे या बायोइन्फॉर्मेटिक्स दे, 1 मिनट से टेक्नोलॉजी ला ले। स्क्रीनशॉट आप ले लें, एक स्क्रीनशॉट आपने जी अब ले सर। लेना है 34 स्टूडेंट्स का, एक स्क्रीनशॉट आपने लेक्चर खत्म होने से 1-2 मिनट पहले ले लेना है। फिर आपने खुद ही ठीक है तकाबली सर। जायजा कर लेना है कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो अटेंडेंस का हकदार है। ये ना हो कि 1 मिनट पहले आया हो, या जैसे ही आप अटेंडेंस लो, जैसे एहतिशाम जी सर। लियाकत है, शरारती बच्चा है, आपने अटेंडेंस ली, चलो जी छुट्टी खत्म। तो आपने ये भी जी देखना जी कि ठीक है लास्ट सर। में एहतिशाम लियाकत मौजूद था कि नहीं मौजूद था, ठीक है? सर मैं क्लास में मौजूद हूँ। सर आप अच्छे बच्चे हैं इसीलिए तो आपका नाम लिया, जी किसी और सर। का लेते तो लड़ाई हो जानी थी। जी शुक्रिया 16753 कौन है जी? वन सिक्स सेवन सर। फाइव जी कौन है जी? 16753। आई एम गोइंग टू रिमूव यू बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग जी सर। द इंस्ट्रक्शन। हु इज 16753? आई डोंट नो, मे बी मारिया। आपका नाम मारिया? 53। बेटा आपके नाम से फिर एक और आ रहा है इसमें, जिसको मैंने रिमूव कर दिया है। आपके रोल नंबर से एक और बच्चा यहाँ पे प्रेजेंट था जिसको मैंने रिमूव कर दिया है। सो प्लीज बेटा अपना अपना नाम लिखें, आगे अपना रोल नंबर लिखें, और कोशिश करें कि इस तरह की कोई बेहूदगी आप लोगों की क्लास में ना हो। अपने जो आपका ये क्लास का लिंक है इसको सिक्योर रखें और एक दूसरे के रिस्पेक्ट करें, ताकि कोई किसी किस्म की कुछ अनवांटेड सिचुएशन जो है वो हम लोगों को हैंडल ना करनी पड़े। तो अच्छे बच्चों की तरह नहीं, आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं जी। इरम रशीद, आप कुछ कहना चाह रही थी? सर मैंने ये पूछना था कि अगर लास्ट मोमेंट पे लग जाए तभी अटेंडेंस नहीं होगी। नहीं बेटा, वो इतना सा आप बता दें ना उनको कि वो अंदाजा लगा लेगा ना, क्योंकि अक्सर हम एक्टिव लर्निंग की तरफ जाते हैं, स्टूडेंट्स को कॉल करके क्वेश्चंस भी पूछते हैं, तो अमन इतना का अंदाजा लगा लेगा कि ये बच्चा कोई 20-25 मिनट रहा है, या सपोज करें 1 घंटे का लेक्चर था तो ये कोई 40 मिनट तो प्रेजेंट रहा है, फिर उसका कोई टेक्निकल इशू हुआ है। तो जो बच्चा मोर देन 30% टाइम गुजारेगा क्लास में, उसको हम अटेंडेंस कंसिडर करेंगे, बिकॉज इट्स ऑनलाइन क्लासेस सो देयर विल बी सम टेक्निकल इश्यूज। तो अगर किसी की एक आधी जी अटेंडेंस का इशू भी हो जाए तो बड़े दिल से मुझे और अमन को माफ कर दीजिएगा, ना कि हम लोगों को बदवाएं देना शुरू कर देना आप या कोई भी बच्चा। सर। ठीक है, थैंक यू बेटा, शुरू करें जी लेक्चर। अमन इजाजत है जी? अदनान हाशिम सर जी, आज अदनान इजाजत जी, अदनान
प्रेजेंटेशन रहती थी उनको सारा चांस मिलेगा? बेटा उनको चांस कैसे मिलेगा पहले ये बताएं, आपने प्रेजेंटेशन लास्ट टाइम नहीं दी, आप मुझे लॉजिकल रीजन दे दें कि आपके पास वैलिड रीजन थी मैं आपकी ले लेता हूँ प्रेजेंटेशन। मैंने अमन को बताया था कि ऐसा हॉस्पिटल में रहा था अपनी वालदा की, मेरी वालदा की तबीयत खराब थी। अल्लाह पाक आपको सेहत दे बेटा, दुआ हमारे साथ है। ओके योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू हैव 1 मिनट। थैंक यू। सो माय नेम इज अदनान हाशिम एंड रोल नंबर 16714 एंड माय टॉपिक इज NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और स्टैंड फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसका पर्पस जो है हम 3D स्ट्रक्चर, प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर को फाइंड कर सकते हैं और इनके दरमियान एंगल, बाउंड एंगल और प्रोटॉन और प्रोटॉन डिस्टेंस वगैरह को भी फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है क्योंकि हम इनका बाउंड एंगल वगैरह को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इसके अलावा हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले ये फास्ट जो फिनोमेना है उसके लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि इसका टाइम स्केल बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा ये है कि इसके लिए बहुत ज्यादा सब्सटेंस की जरूरत होती है जो कि सब्सटेंस को प्यूरीफाई करने। सो NMR में थ्रेशोल्ड रेजोल्यूशन कितनी कंसीडर की जाती है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए? जी सर, NMR में किसी भी स्ट्रक्चर के लिए कितनी रेजोल्यूशन कंसीडर की जाती है, कितने आर्मस्ट्रॉन्ग की थ्रेशोल्ड रेजोल्यूशन? थ्री सर। थ्री, ओके। ये इसमें क्रिस्टल्स होते हैं कि नहीं होते? क्रिस्टल सर जी, क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स बनते हैं स्ट्रक्चर के कि नहीं बनते? ओके थैंक यू अमन सफीर। ओके थैंक यू अमन सफीर। अदनान हाशिम के नेम के साथ स्टैटिक डालकर अटेंडेंस में भेज दीजिएगा। थैंक यू जी। प्रेजेंटेशन तैयब। तैयब जी बेटा, तैयब। प्रेजेंटेशन सर। प्रेजेंटेशन कितने बच्चे हैं जी प्रेजेंटेशन वाले, पहले वो हाथ खड़ा करें ना, क्लास से बात चुकी होगी, पहले ये मसला मुका लीजिए। ओके वी हैव 3। ओके ओफ वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट मैन, 1 2 3 4। ओह गॉड। ओके एक दफा हाथ खड़ा कर ही लो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एनीवन एल्स? ओके एनीवन एल्स? ओके फिनिश। ओके टुमारो आप सब लोग, कोई एक बच्चा आप में से, जो बच्चे रह गए हैं उनमें से कोई एक बच्चा स्लाइड्स प्रिपेयर करे जैसे कि पहले प्रिपेयर की थी अमन सफीर ने, अमन सफीर से गाइडेंस ले लीजिएगा। कोई एक बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर स्लाइड्स प्रिपेयर करे और मुझे ईमेल कर दे, कल हम आपकी एक्टिविटी रख लेंगे। लेकिन आप सबके मार्क्स 6 में से नहीं 4 में से इवेलुएट होंगे। अगर आप लोग एग्री हैं तो प्लीज इसको प्रोसीड कर लीजिएगा। अमन सफीर प्लीज डिस्कस विद देम, फाइनलाइज एवरीथिंग एंड लेट मी नो स्लाइड्स एंड। ओके सर ठीक है, इनको बता दीजिएगा कि इनकी मार्किंग 4 में से होगी, 6 में से नहीं होगी, 4 में से होगी। नंबर 1 पर, नंबर 2 पे अदनान हाशिम जी। मैं भी तो जी बेटा, आप भी कल दोबारा प्रेजेंट करेंगे, स्लाइड्स प्रिपेयर करेंगे तमाम स्टूडेंट्स एज पर इंस्ट्रक्शन। अमन प्लीज हेल्प देम। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई थिंक वी शुड हैव टू स्टार्ट अवर लेक्चर नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज लोअर डाउन योर हैंड्स एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर्स। Bismillahir Rahman Rahim, in the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Countless salutation on last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallim. Ji Kainat. 16741. Okay. So now today we are going to discuss about proteome analysis. As you guys know very well about proteomics. What is proteomics? What is proteome? We discussed it many times in our lectures, in our classroom, and even last time Aman Safir helped us to just improve our definition, to add the word proteome in our definition.
of proteomics. Everyone, please mute your mic. Please mute your mic. If you have any question, please raise your hand and then unmute your mic on instructions. Thank you so much. Aman Safir, keep an eye on everyone. If someone just unmute their mic, you should know who he or she is. Thank you. So we were discussing about proteome analysis and what is proteome and proteomics. We discussed it in our previous lectures. So after that, we just have to analyze it with the help of experimental techniques. Now there are so many techniques available for this one, but nowadays the most appropriate technique is Western blotting, and almost everyone in this world, there was a Blue Native page once, I remember that technique, but this technique was some limitations and some problems. And if nowadays you will perform your experiment with the Blue Native page and you just submit your article in any good journal, the reviewer will mark a comment that you have to perform Western blotting. So Western blotting is very important technique. First, we will try to understand what Western blotting is, how to perform Western blotting and everything. Then we will study about the slides. So in actual, what is Western blotting? How we perform that and why we perform that? So the question for why we perform that is very easy. So we just want to analyze the interaction of protein, or maybe the interaction of protein with ligand, interaction of protein with other protein, or interaction of protein with other peptides, or weight of the protein for these experiments, or to analyze the proteome, or to analyze the behavior of protein. So, but how to perform that, it's a lengthy process. In actual, if you want to run one Western blot and you are an expert in that technique, you need almost 1 week. So if you want to perform Western blot, you need 1 week. And for that 1 week, you have to do experiments, different experiments and steps for whole the week, not only for 1 or 2 days, for whole the week. So first we will just discuss that what Western blotting is. Just keep focused and just be with me, everyone. First we will try to understand the concept, and then we have to go through the slides that will make more clear of the sketch we are going to study. So in Western blotting, first of all, we need protein. So reverse engineering, this is called reverse engineering, or you can say backward, we are moving backward. If we want to do Western blot, we need proteins. And if we want proteins, we have to culture the cells. So the story starts from cell culturing, or maybe from tissue culturing, or from any source you want to extract the protein. If you are going to extract the protein from viruses or bacteria, the procedure will be different. If you are going to extract the protein from other sources like tissues, then there is another process. If you are going to extract the protein from mouse, there is another process. If you are going to extract the protein from cell lines, then there is another process. I discussed with your HOD, Dr. Amir Mahmood. He is really a nice guy. So I just requested him that all of you will have a look or to perform this protein extraction process once, and he agreed that he will help us in his lab. But unfortunately, we have this COVID-19 and we could not perform this experiment. I hope and wish when the university will reopen, and I will request him again, and as he is a nice guy, I hope and believe he will give us another opportunity to do this again, and every student will perform it once, I hope. So meanwhile, we are till that, we should have to discuss the theory. In proteome, if you want to extract the protein from cell lines, first we have the cells. We should have the cells, that is HeLa cell lines or any other difference. There are so many types of cells that are available, or people are working on different types of cells, depends on the nature of the experiment. So if we have HeLa cells, we just culture the cells. For culturing the cells, first we have a Petri dish. I hope you guys know about Petri dish, and
then we just culture the cells. I will just move from this procedure bit fast so we can have a look to the slides too in our lecture. Just be focused and be with me to understand the concept, and use your imagination to understand this concept. Use my words and make imaginationy pictures in your mind that what is happening. First of all, we will have a round petri dish, and in that petri dish we will culture the HeLa cell lines or any other cell lines. We will have some healthy cells and we will culture those cells in petri dish with the help of EDTA trypsin and the bovine syrup. After culturing the cells, usually we culture the cells for 18 hours to 24 hours. The best time is for 18 hours, and there should be a healthy amount of cells in that culture. Otherwise, there will be less growth of cells, and then we have less amount of protein. The protein quantification is also very important. There is a suitable amount of protein, almost minimum 1 microgram protein, there should be available in the sample. Otherwise, if the number of protein or quantity of the protein will be less, then we will be in trouble for the experiments, or the bands will be not more visible, or amount of protein is very less that we lost some protein, and if there is some contamination, then our experiment will also be not much reliable. So at every point, at every step, we should be very careful. There is a cell, HeLa cell line. We culture the HeLa cell lines with the help of different buffers and different chemicals, and we will just place the petri dish in an incubator that has my 37 temperature, and incubate it for 18 hours to 24 hours. After that, we just collect the cells. There are two ways to collect the cells. We can use scraper to just scrap the cells from the plate, and then extract the cells or from the retrieve the cells from the plate, or otherwise we will just add the EDTA and trypsin there so that the cells that are sticky to the plate just unstick from the plate, and we can collect the cells. After that, we will add the lysis buffer for 45 minutes, and we will place the vials in which we have those cells into the ice, so the temperature could be maintained at less than 4 degrees centigrade. If the temperature is more than 4 degrees centigrade, there will be denaturation of protein and some other you can say unwanted situations we have to follow, we have to face. So temperature should be maintained for less than 4 degrees centigrade, or put the vials into the ice and wait for 45 minutes. After 45 minutes, there will be the lysis buffer will break down the cells, and you know, when the cell has so many contents, if you recall the cell in your mind, that the cell has mitochondria, cytoplasm, nucleus, DNA, and so many latrum putrum it has. So lysis buffer just break down the cell and rupture the cell, break down the cells, and content is in that lysis buffer now. Then we just centrifuge that lysis buffer and cells, and almost 12,000 RPM, as I remember, 10 to 12,000 RPM for 5 minutes, for 15 minutes, and the temperature should be 4 for that centrifugation machine. As we already discussed, that the temperature should be less than 4 to protect the proteins from denaturing. Then we have a lysate and a supernatant. The contents, or you can say the debris that has a nucleus and other debritic material like cytoplasm, mitochondria, that will be lower down in that vial that we usually call it as pellet. And pellet has the protein and upper material has supernatant has the debris. So we remove the debris is content, right? Debris has the cell contents and upper side has the proteins. We just extract the protein from that vial and put it in the new vial. Now we have protein in the new vial, and we have to quantify the protein. So I'm going to mark it again so we can have the clear sketch that the content like cytoplasm, nucleus, everything will be down as a pellet. And supernatant we have as a protein. We will extract the supernatant that has protein out from that vial and discard the old vials. And we will have
new vials that in which we put the protein. After that, we just quantify the protein. So all the vials should have equal amount of protein. If some vial has suppose vial number one has 2 mg of protein and vial number three has 1 mg of protein, then we will balance all the vials. Vial is a small tube. We will see in this slides later that what vial is in actual. So that vial, all the vials should have equal amount of protein, equal quantity of protein. So the experiment will go well. Otherwise, there will be some problems. After quantifying the protein, we have protein, then we add a commessive blue dye in the protein. So when we run the proteins on a SDS page, one dimensional SDS page, as known as sodium dodecyl polyacrylamide gel electrophoresis experiment, when we are going to perform, so we can know, we can have a look to the protein that how much protein we have already run out or how much gel we left. So we add the dye into that samples. After that, we just run the gel electrophoresis. Now we have all the proteins in the gel. As you guys know, the concept of longer and lower down the or smaller amount of proteins, like some proteins are large in number, some proteins are small in number, some proteins has more weight in kilodaltons, some proteins has less weight in kilodaltons. So all the proteins will be sought out according to their weight, mass and other descriptions into the gel. And now we have gel, now we just extract the gel from that apparatus and place the gel on transferring step. So in transferring step, we have a clump that has on both sides, they have a filter. And we have a cellulose membrane. We place the gel that has the proteins on the membrane, and on the both sides we have that filters, and place the filters, and we just transfer the proteins from gel to cellulose layer, the paper of a cellulose layer or a cellulose membrane. And after transferring all the proteins from gel to the membrane, we just block the block the protein opening, like to add a different to place it in the milk for 30 minutes. That is in actual a specific experimental milk, not the normal milk we use. That is the experimental milk that is known as skimmy milk. And for 30 minutes, anyone wants to say something? Okay, thank you. So after that, placing the membrane into the milk for 30 minutes, or if you want better results, you can use that blocking step for more than 1 hour or 2 hours. I usually use that step for 2 hours, because before that, when I just performed that step for 30 minutes to 45 minutes, the results was not much good. But after that, I just use it for minimum 1 hour and 2 hours, or sometimes 3 to 4 hours. But if you are going to use it for more longer time, if you are going to use that blocking step for 30 minutes, then you can place the membrane at room temperature. It's fine. However, if you want to block the protein for more than 2 hours or 3 hours, then especially in summer or in the environment like Pakistan, we have a very hot environment here in Pakistan, usually most of the Pakistani cities. So we have to place that milk into the 4 degree centigrade refrigerator. Otherwise, you know that because of this hot environment in the room temperature, the milk start for fragmentation, and then we have some problem. So just keep this point in your mind. If you are going to block the membrane for more than 30 minutes, then you have to place it into the refrigerator that has the temperature of 4 degree centigrade. After blocking, we just usually add two antibodies. First antibody that is known as primary antibody, and then secondary antibody, and that is also known as second antibody. So these antibodies are usually prepared by using different animals like goat, like sheep, goat, mouse, rat, also used human in some cases in the laboratory.
and these antibodies just attach with the binding or the available antigen pockets of the proteins. We will see these all in detail in diagrams in this slides later. So first we are just going to have a sketch. After blocking and adding the antibodies, we just analyze the results that what we will get from this experiment. Nowadays we have gel docs in which we just place the membrane and the machine just to show us the results on computer. Before that, even in many labs in Pakistan and the labs that has limited funding, we usually use the fluorescence film procedure. If you guys remember that how to develop the photographs almost 20 or 30 years back or 10 years back, when we don't have that digital cameras and when we have the rolling cameras that has the roll and the film, and then we have to develop that roll. And if you just have a look in to that laboratories, or maybe you can in movies, you can have a look that there was only red light and they just place the paper into two different chemicals, and one is of white color and another is of black color, and then they just put that paper out and there is a photo on that. So before this gel dog, we usually use that approach to analyze the results and develop the results by this technique. I personally used this developing technique for more than 1.5 years for my PhD experiments. And after that, our lab has a gel doc. As my lab was very much rich, my professor has much money, but he liked that approach of developing the screen for the results. But after that, on student request, he bought the new machine gel doc, and I was very much happy that day, because that film approach usually take almost 3 to 4 hours to develop one experiment results. But for gel doc, it only takes 30 minutes to 1 hour. So I was very happy. And usually when I just develop the results with the help of that technique, I was not much handy on that technique, and I was computational biologist and I was learning experimental techniques. Usually I just slightly moved the screen and the band was scattered out, and my professor become angry on me. So in gel doc, you know, the machine is doing that. So this problem, this human error just remove out, and I was very happy when professor bought this machine. After that, we analyze the results. I hope you guys will have a sketch of that. Now we are going to study these slides, and I hope you have sketch. Anyone has any question till now? Yes, Umar, Muhammad Umar, 16759. Sir, please explain the HeLa cells, and I can't understand the role of antibodies. Why we use antibodies? Okay, मैं HeLa cell आपको बता देता हूँ. Role of antibody आगे कुछ मैंने 2-4 तस्वीरें लगाई हैं. अगर आप वो देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी. Because visual memories are the strongest memories. ठीक है? HeLa cells बेटा एक खातून थी जिनका नाम था HeLa, African lady. जिसको फर्स्ट टाइम कैंसर हुआ था, उसका नाम था HeLa, HeLa. तो कैंसर सेल्स हैं HeLa सेल्स, और ये रीजनरेट होते रहते हैं. हमारे एजिंग किसे कहते हैं? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन शुरू हो गया, व्हाट इज एजिंग? एजिंग क्या है जी? सेल बूढ़ा हो जाता है. जैसे आप हैं और आप हैं, एक मैं हूं और एक हमारे साथ तीसरा शख्स हो जिसकी एज 50 ईयर्स होगी, एक चौथा शख्स हो जिसकी 70 ईयर्स होगी. हम सब के एक एक कट लगाया जाए तो आपका कट जो है वो सबसे हाथ पे कट जो लगा है वो जल्दी रीजनरेट करेगा, जल्दी हील आउट करेगा, देन मेरा, देन 50 इयर्स वाले का, देन 70 इयर्स वाले का. नॉर्मल कंडीशंस की बात की जा रही है. क्यों? क्योंकि सेल्स में रीजनरेशन की एबिलिटी कम हो जाती है जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है. और अगर आप देखें तो बूढ़ों के अगर कट लग जाए तो काफी काफी दिन भी हील नहीं करता. क्यों? क्योंकि सेल में रीजनरेशन की ताकत खत्म हो जाती है. और आप कह लें कि उसकी कोडिंग में सपोज लिखा हुआ है कि इस सेल ने 100 बार रीजनरेट करना है और वो 100 बार रीजनरेट कर चुका है. लेकिन कैंसर सेल्स क्या है? व्हाट इज कैंसर? नाउ द अदर क्वेश्चन इज व्हाट इज कैंसर? कैंसर इज इरेगुलर सेल ग्रोथ. सेल ग्रोथ रुकती ही नहीं है. ठीक है? तो HeLa सेल्स वो सेल्स थे, उस औरत को कैंसर हुआ,
और उसमें सेल्स की जो रीजनरेशन थी वो खत्म नहीं हो रही थी, सेल बार 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 ग्रो कर रहे थे। तो उधर क्या हुआ सर, उधर ये हुआ कि उस लेडी में से वो सेल बाहर निकाल लिए गए ताकि उन पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। अब इधर टू स्टोरीज प्लांट है दुनिया के अंदर। एक स्टोरी ये है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि उस लेडी की इजाजत के बगैर वो सेल्स उसके बाहर निकाले गए थे, और कुछ लोगों का ये कहना है कि उसने खुद इजाजत दी थी कि आप मेरे सेल्स एक्सट्रैक्ट कर लें मेरी बॉडी में से और इनको एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज कर लें। एज आई रिमेम्बर ये 70s की बात है, 1970s की बात है, आज से 40-50 साल पुरानी स्टोरी है ये। तो गॉड नोज कि उसने इजाजत दी थी या रिसर्चर्स ने और डॉक्टर्स ने विदाउट हर परमिशन अनएथिकली उसके सेल्स रिमूव किए हैं। सो ये अभी तक क्लियर नहीं है। जिस पे दो मौकफ हैं वो दोनों मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो वो सेल्स जो हेला सेल्स उस औरत के नाम पर ही रखे गए, उन सेल्स का नाम हेला सेल्स, और वही पूरी दुनिया में चल रहे हैं और वो सेल्स रीजनरेट होते जा रहे हैं। वो सेल्स जो हैं वो उनमें कैंसर होने की वजह से उनकी कोडिंग में वो रीजनरेशन वाला अमल चल रहा है, दैट्स हेला सेल्स। और इन्हीं हेला सेल्स को इस्तेमाल करके दूसरी सेल लाइंस बनाई जाती हैं। दैट्स द नॉर्मल और जनरल स्टोरी। आई होप यू गॉट द आंसर। उमर? Yes, sir. I got the answer. Okay. Thank you so much for that. And so we will continue the slides in our next lecture. Okay? Because we are running out of time in this lecture, so we will continue our slides in next lecture. Afshan, you have any question? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी बेटा। सर मैंने पूछना था कि वो जो सेल्स के अंदर उन्होंने जब उन्होंने देखा कि कोई कोडिंग में ये कंटिन्यूअसली रीजनरेट कर रहे हैं, सर वो उन्होंने किस चीज के अंदर ये प्रॉब्लम का कोडिंग का उन्होंने इशू उठाया था कि कैसी कोडिंग में प्रॉब्लम आई, किस तरह की आई, कि क्यों मतलब, ये बार बार कोडिंग का मतलब बेटा ये है कि जीनोम जो है ना उसमें चेंज आया ना, ह्यूमन जीन्स के अंदर जीनोम के अंदर चेंज आ जाता है, म्यूटेशन कुछ ऐसी हुई जिसकी वजह से, वो उस सेंस में कोडिंग की बात कर रहे हैं। सर वो इस तरह की जो चेंजिंग आई है, कॉम्प्लेक्स किस्म की कोई कोडिंग चेंजिंग थी कि जिसकी वजह से कुछ ज्यादा इशू इंसान, जाहिर बात है वो इतना बड़ा इशू आया कि देखें सेल रीजनरेट कर रहा है और कैंसर हो गया इंसान को, ऐसी म्यूटेशन हुई और ऐसी चेंजेस आई कोडिंग के अंदर। कोडिंग में आम वो हरफुल आम का वर्ड यूज कर रहा हूँ, इन एक्चुअल म्यूटेशन ऐसी हुई और जीनोम के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई कि सेल ने रीजनरेट करते जाना है और वो रीजनरेशन नहीं रुक रही ना। इन एक्चुअल कैंसर भी यही है, इररेगुलर सेल ग्रोथ। आपको पता होगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैंसर, मैलिग्नेंट एंड बिनाइन कैंसर, जिसमें से एक जो है वो रीजनरेट करता रहता है, एक नहीं करता, इफ यू रिमेम्बर द स्टोरी इन एक्चुअल। सर ये कैंसर जो है नेक्स्ट सेल्स को भी अपने अंदर म्यूटेट कर लेता है। जी जी, वो इसी तरह ना, वो सेल म्यूटेट, सेल जो है वो म्यूटेट हो जाता है और वो रीजनरेट करता रहता है। और आपको पता है जब उसने रीजनरेट करना है उसको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी नॉर्मल सेल्स की भी लेनी शुरू कर देता है। आप देखोगे कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता किसी शख्स को अगर कैंसर है और वो बड़ा हेल्दी था, आपको पता है हेल्दी शख्स कैंसर ज्यादा देर कैंसर बियर कर लेता है एज कम्पेयर टू लीन पर्सन, क्योंकि उसके जो नॉर्मल सेल्स हैं उसकी एनर्जी जो है कैंसर सेल्स यूज करते हैं। अब जो एक शख्स पहले ही बड़ा दुबला पतला है वो कितनी एनर्जी देगा, चलें जी मोटे शख्स के पास एक्स्ट्रा लिपिड्स हैं, बहुत ज्यादा फैट्स हैं, वो उनको यूज करते हुए उन सेल्स, वो अदर कैंसर सेल्स उनको यूज करते हुए रीजनरेट कर रहे हैं, वो दो साल गुजार जाता है। लेकिन कमजोर आदमी तो बेचारा 6 माह नहीं गुजारता, क्योंकि वो एनर्जी इतनी नहीं होती उसके पास। सो ये सारी की सारी हरफुल आम की स्टोरीज हैं समझने के लिए ना। तो साइंटिफिकली म्यूटेशंस इस तरह की आई और वो सेल्स हमने एक्सट्रैक्ट, हमने नहीं रिसर्चर्स ने एक्सट्रैक्ट कर ली। ठीक है बेटा, ओके जी सर, थैंक यू। ओके थैंक यू, वी विल डिस्कस द स्लाइड्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।